हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो भी अभी आपको पता है कि आज वीकेंड का वार शूट हो रहा था, तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आई है वीकेंड के वार से। तो क्या बवंडर हो गया यार, तो क्या हुआ है, क्या बवंडर हुआ है, कौन घर से बेघर हुआ है, एक और एलिमिनेशन हो गया है। जैसे आज के एपिसोड में आपने देखा कि मुस्कान घर वालों की वोटिंग की वजह से वो घर से बाहर हो गई, और एक बंदा और हो गया है घर से बाहर। चार लोग, पांच लोग नॉमिनेट थे जिसमें से मुस्कान चली गई थी, चली गई आज। चार लोग बचे थे, अविनाश, रजत, विवियन एंड नायरा। तो इनमें से एक और बंदा नॉमिनेट हो गया है। कौन नॉमिनेट हुआ है, चलिए हम आपको बताते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और शेयर कीजिए। तो हम ये बात कर रहे थे कि कौन नॉमिनेट हुआ है, कौन एलिमिनेट हुआ है घर से। तो देखा जाए तो जब वोटिंग ट्रेंड आज जब ऑफ हुआ था, तो क्लोजिंग जो वोटिंग ट्रेंड था उसमें एक नंबर वन पे थे विवियन, और नंबर दो पे थे रजत, नंबर तीन पे थे अविनाश, और नंबर चार पे थी नायरा, नंबर पांच पे मुस्कान। तो मुस्कान तो पहले ही आउट हो चुकी है, और तो नंबर चार पे बची नायरा। तो लो जी, नायरा भी घर से बेघर हो गई है, वो भी एलिमिनेट हो गई। इस वीक दो इविक्शन लगातार दो लोग निकल गए घर से। तो ऐसे लग रहा था कि नहीं होगा इस बार इविक्शन, नहीं होगा, बट हुआ तो डबल इविक्शन हो गया। दिवाली पार्टी होने वाली है, और सिंघम के जो हमने प्रोमो में देखा कि सिंघम मूवी के प्रचार के लिए अजय देवगन जी आए हैं, और चुलबुल पांडे जो हमारे सलमान खान हैं, तो ये भी उस मूवी में हैं। तो ये लोग अपने प्रचार के लिए आए हैं, एक दो लोग और मूवी के प्रचार करने के लिए आने वाले हैं। तो उससे तो हमें लगा था कि नहीं होगा मे बी एलिमिनेशन, मुस्कान तो चली गई है तो एक और नहीं होगा, बट नहीं, हम रॉन्ग थे, नायरा एलिमिनेट हो गई है भाई, ये फिक्स न्यूज़ है। तो जैसे हमें पता चला, हमने सोचा चलो इस पे वीडियो बनाते हैं, कहीं खबर पुरानी ना हो जाए तो हम फटाफट से, अभी रात काफ़ी रात हो गई है, फिर भी हमने सोचा कि वीडियो बनाते हैं। और तो आपको क्या लगता है, मतलब कि सही हुआ, नायरा को जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? मेरे से कोई पर्सनली पूछेगा तो मैं तो बोलूँगी कि नहीं, उसको नहीं जाना चाहिए था। हाँ, उसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम था, बट मेरे ख्याल से एक दो वीक और रुक जाती, क्या पता। अभी उसके थोड़ा थोड़ा खुलने लगी थी, शहजादा के साथ बैठती थी, कुछ बात बात करती थी उससे, तो मुझे लगता है एक दो वीक रहती तो और ज़्यादा अप होता उसका गेम। बट ठीक है, एलिमिनेट हो गए तो क्या कर सकते हैं, उसको पहले ही सोचना चाहिए था कि बिग बॉस का घर है, यहाँ पे बैठने से तो काम चलेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें उसको पहले ही सोचनी चाहिए थी, अगर कुछ नहीं करोगे तो एलिमिनेट तो हो गई। तो नायरा एलिमिनेट हो गई है, काफ़ी बुरा लगा मुझे वैसे मैं उसकी फ़ैन हूँ नहीं, बट फिर भी लग रहा था कि एक दो वीक और रुक जाए। तो क्या, काफ़ी नाम सुना था खतरों के खिलाड़ी से, क्योंकि मे भी कुछ करे, बट नहीं, हो गए एलिमिनेट। तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं कल का एपिसोड कैसे रहता है। आज का तो मज़ा आया, और अभी सलमान क्लास भी ले रहे हैं बारी बारी से सबकी, अविनाश की, करणवीर की, सबकी लगी पड़ी इस वीक, लगता है सबका लगेगा लाइन से। तो मज़ा आएगा वीकेंड के वार देखने में, तो कितना एक्साइटेड है वीकेंड के वार देखने में कमेंट करके बताइए। और नायरा चली गई, क्या दुख लग रहा है आपको, बुरा लग रहा है कि नायरा चली गई तो बुरा लग रहा है, या फिर ठीक है चली गई, कुछ नहीं कर रही थी? तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।